हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेज रोल। इसे बनाना काफ़ी इजी है, आप घर पे काफ़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसे हमने कैसे बनाया है, चलते हैं इसे बनाने। वेज रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालकर मिलाएंगे और इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, नमक और ऑयल डाल दिया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा डो बना लेते हैं। सबसे पहले इसे सूखा मिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से नमक सभी में मिल जाए। हमने इसे मिला लिया है, इसमें पानी डाल दिया है। पहले पूरे आटे को भिगो देंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। डो तैयार कर लिया है, अब इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं और तब तक हमें जो सब्जियां काटनी हैं वो काटते हैं। सब्जियों में हमने एक शिमला मिर्च लिया है, एक गाजर, दो छोटे प्याज और एक छोटा सा बंद गोभी है। ये सभी को हम काट लेंगे। ये हमने सब्जियां काट ली हैं, गाजर, शिमला मिर्च, बंदा गोभी, प्याज और ये हरा जो दिख रहा है वो है हरी मिर्च और ये अदरक। हमने सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके साथ साथ हमें चाहिए लाल मिर्च, क्रश किया हुआ काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा ऑयल, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस हमें सब 1 टेबल स्पून चाहिए। तो चलते हैं इसे बनाने। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमें थोड़ा सा ऐड करना है, ऑयल हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें लहसुन को डालेंगे, इसे हल्का सा भुनना है। इसके बाद हमने हरा मिर्च डाला है, अब हम प्याज डालेंगे, इसे हल्का सा ब्राउन करना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड करेंगे, शिमला मिर्च को भी हम हल्का सा भूनेंगे। इस कटोरी में हम सोया सॉस, टोमेटो सॉस और चिली सॉस को हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, हम एक साथ इसमें डालकर रख रहे हैं। हमने तीनों सॉस को 1 टेबल स्पून ले लिया है। अब हम गाजर को डालेंगे और बंदा गोभी को। हमने गाजर डाल दिया है, अब बंदा गोभी भी डालेंगे। हम इसमें बंदा गोभी भी डाल दिए हैं, अब हम इसमें नमक और ब्लैक पेपर डालेंगे। हमने ब्लैक पेपर और नमक डाल दिया है। सारे सॉस को हम डाल देंगे जो हमने मिलाकर रखा था, तीनों सॉस सभी 1 टेबल स्पून है। और इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे और 1/2 मिनट चलाएंगे और ये हमारा बन हो गया है। ये बनकर तैयार हो गया है और गैस को हमने ऑफ कर दिया है। इसकी रोटी बनाएंगे। तवा को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है और इस तरह से हम इसे बेलेंगे और इसे पकाएंगे। हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसके ऊपर अपने पसंद का चटनी या सॉस, आपको जो भी पसंद है, मीठा या तीखा, आप रोटी के ऊपर फैला दीजिए इस तरह से। और उसके बाद इसे मोड़ दीजिए, फिर दूसरे के ऊपर भी इसी तरह से कीजिए। इस पे हम हरी चटनी डालेंगे और इसे भी मोड़ देंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने तीनों में तीन तरह का फ्लेवर डाला है, एक में हरा चटनी, एक में लाल चटनी और एक में हरा और लाल दोनों चटनी को मिलाकर हमने बनाया है।
आप भी अपने मन पसंद चटनी को रोटी के ऊपर लगाइए और हमने जो बना करके जैसे दिखाया था उस तरीके से बनाकर आप फिलिंग को रख दीजिए और इस तरह से आप रोल बनाकर अपने बच्चों को दीजिए या आपको जिसे भी खिलाना है आप उसे खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान जाए कि वेज रोल घर पे कैसे बनाया जाता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।